हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना होगा, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए, इसमें आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। तो ये जो आपका पेज आएगा ना, इसमें आपको नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में दोबारा से इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको नीचे यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा अच्छे से लगा के सिम मोबाइल के अंदर दोबारा डाल देना है सिम को, ठीक है। इससे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना एपीएन सेटिंग को रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। आपका ये एपीएन का पेज आएगा। एपीएन के इस पेज में सबसे ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन आपको टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलता है। इसे आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की एपीएन सेटिंग को भी रीसेट कर देना है, जिससे आपके फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फोन में अपडेट आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं होता है ना, तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है। देखिए सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस छोटे पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रोसेस आपको करना ये है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे सिस्टम पर टैप करना है। अब इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपने जिस कंपनी का आपने सिम कार्ड ले रखा है ना, सिम कार्ड जिस कंपनी का ले रखा है, उस कंपनी के कस्टमर केयर पर आपको एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये लास्ट ऑप्शन बचता है।